क्यों पता नहीं क्या करके मानेगी सरकार। टीओडी बिल वापिस होगा ना तो कैंसिल कर लो इनने। ठीक है सेना की नई भर्ती योजना अग्निपथ को लेकर पूरे देश में अलग अलग जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। दिल्ली नजफगढ़ में भी अग्निपथ योजना का कुछ युवाओं ने किया विरोध। बीजेपी गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया है टीओडी का, ये सरासर गलत है। ये बच्चों की भर्तियां के लिए बिल्कुल गलत है ना। कोई जितनी भर्तियां हो रखी है वो सारी पूरी करे, जो जिन्होंने एग्जाम दे दिए हैं उनकी भर्तियां पूरी करे ना। तो ये टीओडी बिल हर डिपार्टमेंट पर लागू है, हर डिपार्टमेंट पर, ना कि सिर्फ आर्मी के स्टूडेंट पे। जो बच्चा अपनी सुबह से 4 बजे से भर्ती शुरू करता है वो क्या उनको क्या पता क्या कैसा होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। या तो क्या नेता अपनी पेंशन वापस लेंगे, जो उनको सहूलियतें मिलते क्या वो वापस लेंगे? जो आर्मी के जवान है इतनी मुश्किल से लड़ते हैं हमारे देश के लिए, उनके लिए आप टीओडी लागू करेंगे? टीओडी नेता पे भी लागू होना चाहिए, 4 साल के लिए उनको बाद रिटायर कर देना चाहिए। टीओडी बिल वापिस होगा नहीं तो सब पे लागू होगा, सब पे सब पे लागू होगा ना तो कैंसिल कर लो इनने। ठीक है आर्मी आड़े पे लागू करके कोई फायदा को नहीं। बैठ जो पता नहीं क्या करके मानेगी सरकार। बीजेपी साल का होगा चाहे आर्मी हो चाहे पुलिस हो चाहे बैंक अधिकारी हो चाहे टीचर हो, सबके लिए 4 साल के लिए होना चाहिए। चाहे हमारे लिए 4 साल के लिए, चाहे कोई नेता हो नेता के लिए भी 4 साल का होना चाहिए। उसके बाद उसकी भी पेंशन बंद होनी चाहिए। और हमारी 3 मांग है, पहली तो टीओडी वापस दिया जाए, दूसरा जो हमारी कोरोना में एज आ रही है उसके लिए 2 साल सोचे, तीसरा कि जो भाई मर रहे सुसाइड कर रहे हैं उनका क्या। भाई टीओडी सब पे लागू करो और ना तो इन्हें वापिस ले लो, मेरी सीधी सी मांग यो है। ना तो फिर कैंसिल कर दे, सब बंद कर दे, ड्रामाबाजी मत ना करे। फौज की भर्ती बंद कर दो, 2 साल हो लिए बालक ने पेपर भी ना दिया है, 20 साल की उमर में बालक लाख 24 की मुंह लात मार के बाहर काट दे कड़े जागा छोरा। 4 साल करके क्या फायदा फिर? टीओडी बिल वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, टीओडी बिल वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। अग्निपथ योजना को लेकर हो रहे विरोध एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहे हैं या सच में ही अग्निपथ योजना युवाओं के लिए गलत है? अग्निपथ योजना को लेकर आपके विचार क्या हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। News 43 चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें।